Assalamualaikum friends, welcome to the Shaista and Urusa cooking counter. So let's start with the name of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kul jahan mulk aur jo ki roti ghiza, kul jahan mulk aur jo ki roti ghiza, kul jahan mulk aur jo ki roti ghiza, malik e hauz e kausar pe laakhon salaam. So today we are making fried chicken in a 5-star style. So let's see how to make it. आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड चिकन 5-star स्टाइल में. तो आपने जो है उसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होंगे उसमें रिक्वायर्ड है सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर एज पर रिक्वायर्ड. हमने यहाँ पे 1 tablespoon लिया है. उसके बाद लहसुन पेस्ट 1 tablespoon. दैन वी विल टेक पिज्ज़ा सॉस. हमने यहाँ पे पिज्ज़ा सॉस लिया है 1 tablespoon. अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस नहीं है सो यू कैन ऑल्सो टेक केचप. यहाँ पे हमने लिया है योगर्ट. योगर्ट यहाँ पे हमने लिया है 2 tablespoons. देन वी हैव टेक चिकन पाउडर. चिकन पाउडर हमने 1 tablespoon लिया है एंड ज़ीरा पाउडर 1/2 teaspoon. एंड यहाँ पे हमने चिकन लिया. चिकन जो है वो आपने बोनलेस लेनी है और इस तरह से आपने कट लगा देने हैं उस पर, ठीक है. और उसके बाद हम ये सारे स्पाइसेस चिकन में डाल के उसको 10 minutes के लिए मैरिनेट कर देंगे. हमने इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट किया था और 10 मिनट्स के रेस्ट के बाद आपने इसमें जो है वो सोया सॉस अपने चिकन में ऐड कर देना है. सो गाइज, आफ्टर एडिंग सोया सॉस यू हैव टू मिक्स वेल योर चिकन. जिस तरह से अभी आपको दिख रही है यू हैव टू मिक्स इट वेल. नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक फ्लोर. फ्लोर आपने जो है वो 5 tablespoon लेना है. यहाँ पर हमने कॉर्न फ्लोर लिया है 3 tablespoon एंड यहाँ पर हमने ब्लैक पेपर ली है 2 pinches. यहाँ पर हमने 2 eggs लिए हैं एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. और उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप. मैं अपने फ्लोर में ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, नमक और कॉर्न फ्लोर को मिला देना है. फिर एडिंग द स्पाइसेस ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड कॉर्न फ्लोर. आपने आटे को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने फ्लोर को. सो द नेक्स्ट स्टेप गाइस इज दैट कि आपने जो है वो चिकन पीस को जो आपने आटा फ्लोर लिया था उसमें आपने इसको डिप करना है और उसके बाद आपने इसमें एग को अप्लाई करना है. आपने इसमें अच्छे तरीके से अपना एग जो है आपने लगा देना है और फिर इसको हम रेडी कर लेंगे फ्राइंग के लिए. सो आपने जितने भी पीसेस लिए थे चिकन के वो आपने सारे इसी तरह से रेडी कर लेना है. सो दिस इज़ द सेकंड पीस ऑफ चिकन. इसी तरह से आप रेडी करेंगे. अच्छी तरह से आप इसमें फ्लोर अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद जो है वो आपने इसमें एग अप्लाई कर लेना है. तो जितने भी आपने चिकन के पीसेस लिए हैं सारे इसी तरह से आप फ्राइंग के लिए रेडी कर लेंगे. सो गाइस, अब आपने जो है वो अपने पॉट में ऑयल डाल लेना है हीट करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ फ्राइंग. अब हम अपने पीसेस को जो है वो ऐड कर देंगे पॉट हीट ऑयल में मीडियम आंच पे ताकि जो है वो हमारे चिकन के पीसेस जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए. तो आपने जो है वो पीसेस को ऐड कर लेना है और उसके बाद उनको अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है. हमने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल लिया है ताकि आपके चिकन के पीसेस जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए. तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी चिकन जो है वो हल्की हल्की सी जो है वो ब्राउन होने लगी है. तो आपने करना ये है कि आपने इसको ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि अच्छे से जो है आपकी चिकन बिल्कुल रेडी हो जाए. तो गाइज, अब हम बना रहे हैं डिप सॉस हमारे फ्राइड चिकन के लिए. तो डिप सॉस बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, हमने लिया है यहाँ पे पिज्ज़ा सॉस 5 tablespoon. अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस नहीं है सो यू कैन ऑल्सो टेक केचप, डजेंट मैटर. उसके बाद जो है वो आप सोया सॉस लेंगे. सोया सॉस हमने यहाँ पर लिया है 1 tablespoon. या हमने 1/2 tablespoon, हाफ से भी थोड़ा सा कम जो है वो हमने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट लिया है यानी कि गार्लिक पेस्ट. एंड उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो रेड चिली पाउडर लिया है अगेन 1/2 teaspoon से थोड़ा सा कम. तो गाइस, अभी रेडी हो रही है और अब हम इसको जो है वो निकाल रहे हैं. तो हम अपनी डिप प्रिपेयर कर लेंगे. केचप में हमने जो है वो सोया सॉस ऐड करना है. उसके बाद हमने इसमें जो है वो लहसुन पेस्ट ऐड करना है और उसके बाद हमने थोड़ी सी जो है उसमें रेड चिली ऐड कर देनी है.
और ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स कर लेंगे और ये आपका डिप रेडी है। हमारी फ्राइड चिकन एज अ फाइव स्टार स्टाइल बिल्कुल रेडी है और बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, लजीज और डिलीशियस लग रही है और हमने जो है वो इसकी डिप भी प्रिपेयर करी है अभी, और जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी डिलीशियस लग रही है और ये जो है वो इसकी डिप है। सो गाइज, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।